गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो आप सब जान चुके हो कि ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। तो ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब यही होता है कि जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर चेंजेज आए हैं, आज से 20 साल पुराना क्या था और आज क्या है, जो भी चेंजेज आए हैं, भले किसी भी मेडिकल के अंदर आया हो, मैं टेक्नोलॉजी के अंदर आया हो या फिर कोई सोसाइटी के अंदर चेंजेज आए हो, बट अपन डिस्कस किसके कर रहे हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग की केयर के अंदर जो भी चेंजेज आए हैं, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, तो यही क्या है, ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाती है। तो अपन ने लास्ट फर्स्टली अपन ने डिस्कस किया था फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉल के बारे में, अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉल का मतलब यही होता है कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर विजिट करने के लिए क्या पॉलिसीज होती है, क्या गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन विजिट कर सकते हैं। पेशेंट से अगर रिस्ट्रिक्टेड हो, पेशेंट से मिलना रिस्ट्रिक्टेड हो, कोई किसी का बेबी एडमिटेड है पर पेरेंट्स को भी मिलना रिस्ट्रिक्टेड हो या किसी अदरवाइज किसी को भी मिलना रिस्ट्रिक्टेड हो, तो उसके लिए क्या कम्युनिकेशन करने के लिए क्या, जैसे टेलीफोन हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, ये क्या है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब एडवांस उन्होंने क्या किया, चेंजेज किया कि उसको पेशेंट से मिलने का एक तरीका अपनाया उन्होंने कि पेशेंट को आप किस तरीके से देख सकते हैं, पेशेंट को आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का है। तो अपन ने फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे आज डिस्कस करेंगे अपन सेकेंड इज रूमिंग इन, कि रूमिंग इन का मतलब क्या होता है। रूमिंग इन का मतलब अपन, मैं आपको बेस सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, रूमिंग इन का मतलब ये होता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर बच्चे होते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके पास माता पिता के जो पेरेंट्स होते हैं, उस रूम के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चा होता है एक ही रूम में रखा जाता है, उनकी बॉन्डिंग को बनाने के लिए, उनके रिलेशनशिप को बनाने के लिए, उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन दोनों को आप बेड को अटैच करके जो आपस में स्लिप किया सुलाया जाता है या बच्चे को मदर के पास सुलाया जाता है, उसे ही रूमिंग इन कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो होते हैं, मदर का बेड होता है, उसके पास में पालना होता है, उस पालने के अंदर बच्चे को सुलाया जाता है। तो ये पालना और ये मदर का बेड, ये आपस में है, दोनों की बॉन्डिंग बनाए रखना और आपस में एक दूसरे को जानना पहचानना, तो यही एक मतलब एक ही कमरे में दोनों को साथ में रखना ही उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना ही रूमिंग इन कहलाता है। ठीक है, तो रूमिंग इन इज द प्रैक्टिस फॉलो इन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम वेयर द बेबी इज कीप्ड बाय द साइड ऑफ द मदर बेड। रूमिंग जो होता है वो हमेशा हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के अंदर, तो बेबी को क्रिप, जो आपस में जो पालना घर होता है, तो बाय द साइड ऑफ द मदर बेड के बिल्कुल साइड में जो पालना होता है उसमें किनारे पे होता है जो पालना घर होता है, उसके मदर के पास सुलाया जाता है या पालना घर होता है उसके अंदर सुलाया जाता है। दिस अरेंजमेंट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स टू नो द देयर बेबी। ये अपॉर्चुनिटी होती है माता पिता को, अवसर होता है एक तरीके से कि क्या होता है, अवसर होता है एंड अवसर होता है और अरेंजमेंट करके जो बेबी को वो पहचान सके, बेबी के रिलेशनशिप को पहचान सके या बेबी अपने मदर के रिलेशनशिप को पहचान सके। द बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन रूम इन बेबीज। उस रूम के अंदर पेरेंट्स और या मदर और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांगनेस हो जाती है, उनकी अंदर बॉन्डिंग अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपस में सोने पर उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, पास में रहेंगे तो अटैचमेंट रहेगा, उनके अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस तरह से रिलेशनशिप बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा तो उनके अंदर बॉन्डिंग भी अच्छे से बन जाएंगे, उनके संबंध बनेंगे उसके कमरे के अंदर बच्चे और माँ के बीच में। ठीक है, तो रूमिंग का मतलब एग्जैक्ट मीन यही होता है कि मदर और बेबी को एक ही रूम में रखने पर उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी, मदर को अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए ही ये एक रूम में रखा जाता है। उसका एम यही होता है कि बॉन्ड अच्छे से हो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, उसे ही रूमिंग इन कहा जाता है। सेकेंड बात करते हैं, पेरेंट्स शुड नेवर बी रिक्वायर्ड टू स्टे एट चाइल्ड बेड। ज़रूरी नहीं है
पेरेंट्स को बच्चे जब, अगर मान लो कोई पेशेंट बीमार है, कोई पेशेंट बीमार है, कोई NICU में है, कोई ICU में है पेशेंट, NICU में है, कोई PICU में है, तो ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स को मारूंगा, बट दे आर नॉट प्रोविडेड फ्रॉम डूइंग दे आर डिजायर, बट ये प्रोविडेड भी नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो अपन पेरेंट्स से वहाँ पर रख सकते हैं, या पेरेंट्स कुछ चाहता है, डिजर्व करना चाहता है कि हाँ मैं वहाँ रुकना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स को रुकने के लिए मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर, थर्ड वन, पेरेंट्स यूजुअली मदर ऑफ सीरियसली इल चिल्ड्रन मे बी एनकरेज टू स्टे इन द हॉस्पिटल। अगर कोई बच्चा बहुत सीरियसली बीमार है तो उनके पेरेंट्स को एनकरेज किया जाता है वहाँ पर रुकने के लिए, वो भी स्पेशल किसको एनकरेज किया जाता है, मदर को एनकरेज किया जाता है। क्यों? सबसे ज़्यादा बच्चे से जो बॉन्डिंग बनी होती है वो किससे बनी होती है, मदर से बनी होती है। सम हॉस्पिटल हैव रूम इन द पीडियाट्रिक यूनिट वेयर पेरेंट्स मे स्लीप, और हर हॉस्पिटल के अंदर या सम हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स के, अगर पेरेंट्स के लिए सोने के लिए या जगह होती है या सोने के लिए रूम होता है, जो बच्चे की वो आसानी से देख सकें, उसकी केयर प्रोवाइड करा सकें, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर सकें। क्यों? अगर बच्चा अकेला होता है तो कभी कभी क्या होता है, एंजाइटी फील करता है, स्ट्रेसफुल फील करता है, उसको दूर करने के लिए मदर्स के, मतलब पेरेंट्स के लिए अलग से रूम दिया जाता है, जो बच्चे के आराम से, बच्चा भी उसे मतलब आसपास में बच्चे को देख सके, बच्चा भी अपने पेरेंट्स को देख सके, तो ये अवेलेबल कराते हैं कई हॉस्पिटलों के अंदर, पेरेंट्स के लिए स्लिप के लिए रूम अवेलेबल किए जाते हैं। तो ये नए चेंजेज आए हैं, क्या चेंजेज आए हैं, नए चेंजेज ये आए हैं कि इनके लिए जो पेरेंट्स के लिए रूम अवेलेबल कराना हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट के साथ जो पेरेंट्स की और जो बेबीज की है उनकी बॉन्डिंग को बनाए रखना ही रूमिंग कहलाता है। तो ये नए नए चेंजेज आए। सेकेंड वन बात करते हैं, थर्ड वन का ये है कि केयर बाय पेरेंट्स यूनिट, कि जो पेरेंट यूनिट है, कि अपन ने डिस्कस किया है अभी लास्ट वन में ही, कि जो रूमिंग इन होता है तो उसके अंदर, रूमिंग इन के अंदर जो पेशेंट मतलब बेबीज होते हैं और मदर होते हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से बनाने के लिए रूमिंग इन रखा जाता है, दोनों को एक ही कमरे में रखा जाता है, पास पास में रखा जाता है। तो पेरेंट्स यूनिट कहीं हॉस्पिटलों में पेरेंट्स के लिए स्लिप करने के लिए एक रूम बनाया जाता है, उसे पेरेंट यूनिट बोलते हैं। तो सेकंड यही है कि केयर बाय पेरेंट यूनिट, जो केयर प्रोवाइड करा रहे हैं पेरेंट्स यूनिट की, मतलब जो पेरेंट्स यूनिट होती है उसके अंदर पेरेंट्स रहते हैं, वो कैसे प्रोवाइड कराते हैं, कैसे हेल्प कराते हैं बच्चे की, उससे केयर का क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे इंक्रीज होता है, क्या इंप्रूवमेंट होता है, वो अपन देखते हैं। सम हॉस्पिटल हैव केयर बाय पेरेंट्स यूनिट और फैमिली पार्टिसिपेशन यूनिट विद द चाइल्ड, कई हॉस्पिटल्स के अंदर केयर प्रोवाइड कराने के लिए पेरेंट यूनिट होती है, जो फैमिली क्या करती है, पार्टिसिपेशन करती है, पार्टिसिपेशन यूनिट विद द चाइल्ड, जो कि पार्टिसिपेट करती है चाइल्ड की केयर के अंदर, केयर प्रोवाइड करने के अंदर। क्यों? अगर वो, अगर पेरेंट्स अगर उसको बच्चे को समझाएंगे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, बेटा सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर है, तो समझाने पर क्या हो जाएगा, उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और बच्चे को स्ट्रेसफुल कंडीशन से भी दूर होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो पेरेंट यूनिट क्या होती है, वो फैमिली पार्टिसिपेशन होती है, जो चाइल्ड केयर के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। सेकेंड बात करते हैं इसके अंदर, अपन बात करते हैं, सेकेंड बात यह है कि When the parents are near the children, अगर parents बच्चे के पास होते हैं तो children can continue to learn and grow throughout the hospital experience, तो बच्चे continuous क्या करते हैं, लगातार कुछ नया सीखते हैं हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस से, कुछ नया सीखते हैं, कुछ ग्रो अप करते हैं, कि उनके एंजाइटी या कुछ भी ना हो, उससे क्या होता है, उनको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, कि हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस मिलता है। क्यों? उसके पेरेंट्स बच्चे के पास है, अगर पेरेंट्स बच्चे के पास होते तो उनको एक एंकरेज मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है हॉस्पिटल के अंदर, उनको नई चीज़ सीखने के लिए, कंटिन्यू लगातार सीखने के लिए, ग्रो अप करने के लिए नई नई धारणाएँ आती है। तो बच्चों की क्या होती है, अपने आप को संतुलन नहीं खोते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं आते हैं, उनको क्या होता है, प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेरे पास है तो मुझे एक घर जैसा माहौल मिल जाता है, तो घर जैसा माहौल मिल जाता है तो हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस का अनुमान बढ़ जाता है, जिससे वो क्या करें, नई नई चीज़ें सीखने को या लर्न करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, थर्ड वन की बात करते हैं अपन,
थर्ड वन ये है कि सम हॉस्पिटल स्टार्टेड पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, सच ग्रुप में भी कंडक्टेड बाय नर्स। कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया हुआ है, नर्सेज के द्वारा बनाया गया है कि सपोर्ट ग्रुप मतलब पेरेंट्स ग्रुप बनाया जाता है, पेरेंट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं सपोर्ट करने के लिए। इन दोज ग्रुप इन नॉन थ्रेटनिंग एटमोसफेयर इज प्रोवाइडेड वेयर पेरेंट्स में फील कंफर्टेबल एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग टू रिलीव एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अगर ये ग्रुप बनाते हैं कि नर्सेज ने बोल दिया कि आपको एक क्या करना है, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बनाना है, अगर पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बना लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना लिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू, जिससे क्या है कि वो क्या फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंट है ऐसा प्रोवाइड कराते हैं जिससे क्या होती है कि उनके जो कंफर्टेबल फील होने से जो एक्सप्रेशन फीलिंग्स होती है और एंजाइटी और स्ट्रेस क्या हो जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगा उनको, बिल्कुल स्ट्रेस उसको कंफर्टेबल फील होगा, एक्सप्रेशन जो फीलिंग्स है जो बताना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसा ग्रुप बनाया है पेरेंट्स का, और उन पेरेंट्स को ये ग्रुप बनाने पर उनको ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिससे क्या होती है वो कंफर्टेबल फील करते हैं, पेरेंट्स में भी फील कंफर्टेबल एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और अपने फीलिंग को एक्सप्रेशन करते हैं, जो फीलिंग्स है उनको बोलते हैं टू रिलीव द एंजाइटी, जो एंजाइटी और स्ट्रेस को क्या करता है वो दूर करता है। मतलब बच्चे कोई भी मतलब ये क्या चेंजेस किया कि चेंजेस ये किया कि उन्होंने जो नया चेंजेस में आया है कि नर्सेज क्या करती है, एक पेरेंट ग्रुप बनाती है जिससे क्या कर पेरेंट ग्रुप क्या करते हैं एक इन्वायरमेंट ऐसा करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट करने पर वो क्या करते हैं अपने एटमोसफेयर या कंफर्टेबल फील करते हैं और एक्सप्रेशन क्या करते हैं बाहर आते हैं, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर होती है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप बनाएंगे तो एक सब पेरेंट्स के एक पेरेंट ग्रुप बना लिया तो पेरेंट ग्रुप बनाएंगे तो एक दूसरे की भावनाओं क्या करेंगे वो बताएंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो अपने भावनाओं को एक्सप्रेशन को बताने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर होगी, उनकी एंजाइटी दूर होगी, जिससे उनका क्या होता है मनोबल क्या होता है बढ़ जाएगा कि हाँ आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्यों, एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या हो जाती है टेंशन दूर हो जाती है। तो ये किसने किया, नर्सेज ने किया कि एक पेरेंट ग्रुप का ग्रुप बनाइए जिससे वो क्या करें आपस में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए या ऐसा इन्वायरमेंट बना से क्या हो जाएगा पेरेंट ग्रुप में क्या हो जाएगा कंफर्टेबल फील करेंगे और स्ट्रेसफुल कंडीशन भी दूर होगी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब नेक्स्ट वाला है इमरजेंसी यूनिट कि कई चेंजेज आए हैं कि जैसे कई हॉस्पिटलों में पहले लास्ट माने अपन 30 साल पुरानी माने या 20 साल पुरानी बात माने तो इमरजेंसी यूनिट नहीं हुआ करती थी। इमरजेंसी यूनिट क्या होती है, देन आफ्टर 20 साल के बाद अपने क्या होते हैं इमरजेंसी यूनिट अलग से इमरजेंसी या कुछ ऐसे चेंजेज आए हैं, इमरजेंसी यूनिट भी होती होगी या होती थी कई हॉस्पिटलों में होती थी, पर कहीं अभी क्या नए चेंजेज आए वो अपन देखते हैं। तो इमरजेंसी यूनिट के अंदर ये चेंजेज आए हैं, तो फैसिलिटीज वेयर इमरजेंसी केयर इज गिवन मे बी लोकेटेड इन हॉस्पिटल इमरजेंसी, मतलब जो इमरजेंसी केयर जो प्रोवाइड की जाती है वह हॉस्पिटल के इमरजेंसी के अंदर प्रोवाइड, हॉस्पिटल के इमरजेंसी जहां पर इमरजेंसी लोकेटेड है वहां पर उसको प्रोवाइड की जाती है। जैसे हर हॉस्पिटल के अंदर फ्रंट के अंदर जो हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, एंटर होते ही फ्रंट के अंदर जो रखा जाता है फ्रंट के अंदर जो होता है वो इमरजेंसी यूनिट होती है, वह इमरजेंसी यूनिट के वहाँ पर क्या किया जाती है इमरजेंसी केयर की जाती है। मतलब फ्रंट पे जाते ही क्या होता है इमरजेंसी यूनिट है, वहाँ पर इमरजेंसी केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाता है हर इमरजेंसी यूनिट के अंदर। सेकंड बात यह है, द एक्टिविटीज ऑफन सीन इन द इमरजेंसी रूम मे बी वेरी फाइटन टू चिल्ड्रन टू रिड्यूस देयर एंजाइटी वैन इमरजेंसी डोज अकर दे मे बी टेकन नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटी फुल प्ले इन दिस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब यह है कि जो इमरजेंसी रूम में कई ऐसी एक्टिविटीज होती है, कई ऐसी एक्टिविटीज होती है कि इमरजेंसी रूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कभी भी क्या हो सकती है भयानक हो सकती है, बहुत ज़्यादा फाइट एंड टू वेरी फाइट एंड टू चिल्ड्रन, बहुत खतरनाक हो सकती है बच्चों के लिए, मतलब
बच्चे कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी रूम में उनको एडमिट कराया, अगर मान लो इमरजेंसी रूम में गए और ऐसी एक्सपीरियंस, क्यों वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो बहुत सीरियस कंडीशन पेशेंट होना, क्या पता हार्ट अटैक वाला पेशेंट आया, वो चिल्ला रहा हो, या कोई एक्सीडेंट पेशेंट आया जो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है जो बच्चे जो एक्टिविटीज़ देख लेते हैं वो कभी भी उसको भयानक हो सकती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है। तो टू रिड्यूस देयर एंजाइटी व्हेन इमरजेंसी डज अकर दे मे बी टेकन नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटी फुल प्ले इन दिस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। तो क्या करना है, इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को कम करने के लिए इमरजेंसी के अंदर तो अपन एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे कि उनको क्या लगे एक अवसर देते हैं या एक स्ट्रेसफुल कंडीशन को दूर करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, या ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो बच्चों को खेल के लिए क्या होता है, जो उनके कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करो या प्लेइंग करो या ऐसी इन्वायरमेंट बना देते हैं जिससे बच्चे की स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर हो जाए। तो क्या है ये, टू रिड्यूस द एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इमरजेंसी के अंदर इस टेकन नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन बना देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे फुल प्ले दिस द स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, और ऐसे इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं वो प्लेइंग करके, उस फुल प्लेइंग करके अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं एक वातावरण ऐसा बना लेते हैं जिससे स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर होके चली जाए। थर्ड वन की अपन बात, नेक्स्ट वन की बात करते हैं अपन, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट जो प्रोवाइड कर, जो जो चेंजेज आए हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट भी बनाए हैं, उनके अंदर क्या चेंजेज आए हैं, तो ये चेंजेज आए हैं कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट फुल द क्रिटिकली इल चाइल्ड आर फॉर्म इन मैनी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल एंड लार्ज पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट इन जनरल हॉस्पिटल। कि कहीं कहीं तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बहुत सारे हैं जिसमें बहुत सीवियर पेशेंट एडमिटेड होते हैं, सीवियर पेशेंट एडमिटेड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इल वाले पेशेंट जो बच्चे होते हैं उनको पीआईसीयू में एडमिट किया जाता है। पर चेंजेज ये आए हैं कि कहीं कहीं हॉस्पिटल तो पीडियाट्रिक पीआईसीयू के ही पे हॉस्पिटल हैं, और कहीं कहीं हॉस्पिटल है बड़े बड़े, जो बड़े लार्ज डिपार्टमेंट है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर क्या होता है एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है पीडियाट्रिक के नाम से, तो वो पीआईसीयू होती है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, जो क्रिटिकल जो पीडियाट्रिक वाले बच्चे होते हैं, इंटेंसिव केयर वाले जो क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट की जो केयर की जाती है वो पीआईसीयू के अंदर की जाती है। तो पीआईसीयू या तो पहले तो इन्होंने क्या चेंज किया कि एक नए तो या तो बहुत सारे हॉस्पिटल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बन गए हैं, या फिर जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनके अंदर बड़ा सा डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक का बना दिया गया है। तो ये चेंजेज आए हैं। न्यूबॉर्न हु आर क्रिटिकली इल ट्रांसफर फ्रॉम लोकल हॉस्पिटल टू देयर सेंटर्स ऑफ फॉर केयर। जो पेशेंट न्यूबॉर्न केयर है, जो क्रिटिकली न्यूबॉर्न केयर है, तो लोकल हॉस्पिटल से लेकर से ट्रांसफर, जैसे होम केयर्स होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं या छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर पीडियाट्रिक केयर प्रॉपरली नहीं होती है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर नहीं होते हैं, तो उनको वहाँ से ट्रांसफर करके बड़े हॉस्पिटल के अंदर क्रिटिकल न्यूबॉर्न के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। दीज यूनिट बेस्ड द इलेक्ट्रिकली रिलेटेड टू वाइटल साइन एंड अदर फिजियोलॉजिकल ऑफ न्यू बॉर्न। इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिकली रिलेटेड, इलेक्ट्रिकली एडवाइस ऐसे ऐसे हैं जिसे वाइटल साइन या अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन आसानी से चेक किए जाते हैं। यही चेंजेज आए हैं कि पहले तो हॉस्पिटल के अंदर पीआईसीयू होते थे, केवल पीआईसीयू एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता, पर आजकल तो पीआईसीयू वो हॉस्पिटल होते हैं, और जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक के होते हैं। और सेकंड ये है कि जो न्यूबॉर्न के क्रिटिकल चिल्ड्रन तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर बड़े हॉस्पिटल, जहां पर क्रिटिकल केयर यूनिट की जाती है। देन उसके बाद ये पीआईसीयू के अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आजकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ गए हैं जिससे क्या होता है कि वाइटल साइन प्रॉपरली हो जाता है, और उससे फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस चेक किए जाते हैं वो फटाफट या सडनली डिटेक्ट कर लिया जाता है। ये नए नए चेंजेस ट्रेंड्स अपन को दिख रहे हैं। सो अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टॉपिक बाकी है, तो अपन कल डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक, टुमारो विल बी डिस्कस। सो टुडे इज फिनिश द टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।